वेलकम टू नुपुर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कर्नाटका के मैंगलोर रीजन की बहुत ही स्पेशल डिश। ये है चिकन घी रोस्ट और मैं इसको एज अ स्टार्टर बनाने वाली हूँ, मतलब कि ये चिकन की ड्राई रेसिपी होने वाली है। इसकी रिटन रेसिपी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे बनता है चिकन घी रोस्ट। मैंने यहाँ पे 4 ड्राई रेड चिलीज ली हैं और 3 ड्राई कश्मीरी चिलीज। कश्मीरी चिलीज कलर के लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें क्यूमिन सीड्स जीरा ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून फेनल सीड्स या फिर सौंफ। 1 टेबलस्पून ड्राइड कोरिएंडर सीड्स, धनिया, साबुत धनिया और 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च। और अब हम इन सबको धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि थोड़ा सा अच्छा सा एरोमेटिक नहीं हो जाते हैं। ऐसा करने से जो भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं स्पाइसेस में वो सब रिलीज होने लगते हैं और हम इसको जहाँ भी यूज़ करते हैं जिस भी रेसिपी में उसमें टेस्ट काफ़ी इन्हांस होके आता है। इसको थोड़ी देर तक ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर हम गैस ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके इसका अच्छे से पाउडर बना लेंगे। अगर फाइन पाउडर बन पाए तो बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया है और ये मेरे पास पाउडर रेडी है। अब सारा का सारा पाउडर हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स चिकन लिया है, मीडियम साइज पीसेस, जिसमें मैं 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो हम सारा का सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। और एक स्ट्रिंग में करी पत्ते का अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमें इसको अच्छे से मैरिनेट करना है और इसको फ्रिज में कवर करके रख देना है। एटलीस्ट 1 आवर तो आप रखिए, तभी वो फ्लेवर्स उसके अंदर जाएंगे। मैंने इसको 4 to 5 hours रखा है, आप एटलीस्ट 1 आवर रखिए, अभी ये फ्रिज में जाएगा मैरिनेट होने के लिए। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और जैसे ही वो गरम हो जाएगी मैं उसमें घी ऐड करूँगी 3 tablespoons। और ये घी में ही बनेगा क्योंकि ये चिकन घी रोस्ट है ना, तो ये घी में ही बनेगा। और जब घी भी गर्म हो जाए तो आप उसमें सारा का सारा चिकन ट्रांसफ़र करके उसको स्लो आंच पे पकने दीजिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके धीमी आंच पे पकने देंगे। हमें ये तब तक पकने देना है जब तक कि हमें ऐसा ना लगे कि चिकन कुक हो गया है, ऑलमोस्ट कुक हो गया है, क्योंकि ये चिकन के पीसेस टूटने नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक है और अभी भी उसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हुआ है, तो आप उसको खोल के मीडियम आंच पे पानी को ड्राई कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि मैं इसको स्लोली स्लोली मिलाती जाऊंगी और कवर करके पकाती जाऊंगी। इसमें मैं लास्ट में थोड़ा सा इमली का पल्प यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जब आप चिकन बनाना स्टार्ट करें तो थोड़ी देर पहले ही थोड़ी सी इमली पानी में भिगा दीजिए। और इमली को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालूंगी लास्ट में, लेकिन गुड़ डालना ऑप्शनल है क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी को चिकन में गुड़ का फ्लेवर शायद पसंद ना आए। तो अगर आप इमली डालते हैं तो आप जस्ट एक पिंच उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये रेसिपी ऐसे ही बनती है। बट अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। चिकन ने जितने भी जूसेस रिलीज़ किए थे वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं,
ये एकदम सही टाइम है सीजनिंग चेक करने का कि नमक कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप इसमें और ऐड कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें फाइनल सीजनिंग ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून इमली का पल्प यूज़ किया है और मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने चिलीज भी काफ़ी यूज़ की हैं, बट मैंने आपको बोला कि ये ऑप्शनल है। और 3 स्ट्रिंग्स करी लीव्स का ऐड कर रही हूँ, करी पत्ता या मीठी नीम जिसको हम बोलते हैं। और ये सब डाल के आप इसको मिक्स करिए और अब फ्लेम को हाई करके हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक कि ये एकदम ड्राई ना हो जाए और घी अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। और अब हम इसमें फाइनल गार्निशिंग चॉप्ड हरी धनिया की करेंगे और हमारा चिकन घी रोस्ट एकदम रेडी है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस बचा है कि मैं इसकी अच्छे से प्लेटिंग करूं। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दिस राइट नाउ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं, जो कि मैं वीकली डालती हूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद हमारे चैनल पे वापस आके हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें थम्स अप दीजिए लाइक बटन को प्रेस करके। एंड बाय द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।